only reflect they are only reflectors 20 cm in diameter and 5 cm deep. पर जो पहला एग्जाम्पल मैंने कराया था उससे मैच होता है, ठीक है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है. तो कौन से पैराबोला की तरह होगा ये? राइट पैराबोला की तरह होगा रिफ्लेक्टर, इस तरीके से, ठीक है. इसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब ये वाली लेंथ दी हुई है आपकी बार, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है. पिछली बार आपको फोकस दिया हुआ था और डायमीटर पूछा गया था, डायमीटर दिया हुआ है, सुन लो ध्यान से. यानी कि ये ए बी की लेंथ आपको दी हुई है कितनी? 20. हाँ, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, अब ध्यान सुनना. कुछ नहीं दिया तो आप राइट अज्यूम करो, सबसे फर्स्ट पैराबोला अज्यूम करें, कुछ नहीं दिया तो, ठीक है. अब वो जो बीम वाला क्वेश्चन था तो देखो वो राइट या लेफ्ट हो ही नहीं सकता लॉजिकली. बीम अगर हाँ अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है, वही तो मैं कह रहा हूँ. जिसमें लॉजिक नहीं लग रहा उसको आप राइट पैराबोला माने, बीम में गलत हो जाएगा ये, कि बीम ऐसा रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है. तो वो अगर वर्टिकल ऐसे रखा, बिल्कुल जमीन पर रखा, तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी. एंड पॉइंट पर रखोगे, एंड पॉइंट पे सपोर्ट दोगे तो ऐसे बन जाएगा, यानी कि अपवर्ड पैराबोला. और एक बीम को बिल्कुल सेंटर में सपोर्ट दोगे तो वो ऐसे जुड़ जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा. तो बीम वाले सिचुएशन समझ में आ रहा है, कब अपवर्ड कब डाउनवर्ड, इसका कोई लॉजिक नहीं है. तो रिफ्लेक्टर ऐसे बनेगा, वैसे भी रिफ्लेक्टर ऐसे ही रखे जाते हैं. अब जितने सैनिक होम्स हो गए बाहर जाओ तो रिफ्लेक्टर है ऊपर हवा में थोड़ी लगाएगा, नीचे को लगाएगा, वैसे ही लगाए जाएंगे. लेफ्ट राइट हो सकते हैं, लेफ्ट अप डाउन तो नहीं हो सकते ना. अब लेफ्ट राइट में भी आपको जो इजी पड़ेगा राइट वो कंसिडर करेंगे. आप लेफ्ट से करो तो भी आंसर आएगा. तो 24 डायमीटर हो गया, यानी ए बी दिया हुआ है, ठीक है. तो ए बी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? डीप यानी ये यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स तक 0-0 ऑरिजिन पे मानते हैं तो ये डीप उसका कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 सेंटीमीटर. ओके, अच्छा कौन बताएगा? ऋषभ बताएगा. ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट बता सकते हो? क्या होंगे बताओ, कोई बीच में बोलेगा नहीं. ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ भैया. 5.10 क्यों होगा? क्योंकि भैया वो हमें ए बी की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ करेंगे तो ये तो ऊपर हमारी ए बी मतलब ए सी मतलब बीच वाले पॉइंट कम सी मानते हैं, तो हमें ए सी की लेंथ लेगी तो फिर वो 8.10 होगा. सवाल, ये पूरी 20 है तो इतनी तो 10 ही होगी, तो एक ही क्वांटिटी का मतलब एक्स यहाँ सेंटर से यहाँ पे कितना है, जो जितना वो डीप है 5 सेंटीमीटर डीप है, और पूरी अगर 20 है तो ये हाफ है उसकी 10 होगी. यानी एक ही कोऑर्डिनेट हो गए 5.10. राइट पैराबोला की शेप बनाई हमने, तो इक्वेशन मानेंगे 5² = 4x. आंसर आएगा जब आप एक ही वैल्यू निकाल लोगे, एक ही वैल्यू निकालोगे कैसे, जब इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि दिस पॉइंट लाई ऑन दी पैराबोला. तो लेट इक्वेशन ऑफ इसमें फोकस पूछ रहा होगा, देखना. इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज y² = 4ax. इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज, क्योंकि राइट पैराबोला है तो y² = 4ax. अब अकॉर्डिंग फॉर कंडीशन, क्वेश्चन के हिसाब से हमें यह समझ में आता है कि पैराबोला किस पॉइंट के पास होता है. इट पासिस थ्रू 5.10. तो पुट कराओ, सेटिस्फाई कराओ 100 वाई 10 का स्क्वायर 4a × 5. तो ए की वैल्यू क्या होगी? 20 नीचे आएगा. ए की वैल्यू कितनी आ गई? डीप है ना, 5 सेंटीमीटर डीप है. 4ax लिखा हुआ है तो x मिटा दो. x नहीं है, ये इंटू था. ऊपर वाला नीचे वाला एक जैसा लग रहा था, पर इधर तो घुंडी थी.
यहाँ पे घुंडी आ रही है नीचे ऐसे था, ठीक है तो वो कितने अंदर है कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। अब ये आ गया, अब बताओ इक्वेशन में पैराबोला क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। हाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू x यानी कि 20x, समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला तैयार हो गया, अब उसने कहा फोकस निकालो, तो फोकस तो फाइव तो है ना। अच्छा फोकस बता रहा था, इक्वेशन थोड़ी ना निकालनी है, फोकस राइट पैराबोला क्या होता है ये आ चुका है, तो फोकस विल बी फोकस होता है राइट पैराबोला का ए कॉमा जीरो यानी कि आएगा 5, 0। इक्वेशन पूछी होती तो वो काम करते, तो फोकस पूछा था तो ए कॉमा जीरो 5, 0, समझ में आया आपको, समझ में आया।